नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, खाद की किल्लत से परेशान किसानों का एक्शन। किसानों ने खुद ही गोदाम पर रेड मारी है। गोदाम से किसानों ने 360 कट्टे बरामद किए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। फर्म का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जींद में खाद की किल्लत से परेशान होकर किसानों ने एक्शन लिया। आपको बताते चले, किसानों ने खुद ही गोदाम पर रेड मारी। गोदाम से किसानों ने 360 कट्टे खाद के बरामद किए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। तो वहीं आपको बताते चले, अधिकारियों का कहना है कि फर्म का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ गए। परमजीत, खाद की किल्लत से लगातार किसान परेशान हो रहे थे, ऐसे में एक एक्शन लिया गया है, किसानों ने खुद ही गोदाम में रेड मारी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो मामला है जींद जिले के नरवाना कस्बे का है, जहाँ किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान थे। उन्होंने जो है गोडाउन जब चेक किए तो गोडाउन में सैकड़ों कट्टे वहां पर रखे हुए थे, और मौके पर ही कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया, और जब अधिकारी पहुंचे तो कट्टों को गिना गया। 360 बैग वहां से निकले, और वही मौके पर अधिकारियों ने किसानों की लाइन लगवाई और एक एक किसान को 3-3 कट्टे बांट दिए। और साथ ही जो फर्म थी, जिस फर्म ने ये स्टॉक किया हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, और जो 1985 एक्ट है, एफसीओ एक्ट है, उसके तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल जो है अधिकारियों ने और किसानों ने मिलकर जो है ये कार्रवाई की है, और इसके बाद जो है किसानों को खाद मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि किसान बड़े लंबे समय से जो यूरिया खाद की किल्लत है वो झेल रहे थे। जी परमजीत, लगातार इस तरीके की लापरवाही देखने को मिलती है। किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, सुबह से रात तक इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं होती है। और अगर आज किसान गोदाम पर रेड नहीं मारते तो ना तो ये खाद बरामद होती है और ना ही किसानों को खाद मिल पाती। बिल्कुल, देखिए, किसानों का ये आरोप है कि खाद जो है जो प्राइवेट फर्म है उन्होंने इसका स्टॉक कर लिया है, और वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ज्यादा रेट पर उनको दिया जाता है, बेचा जाता है, इसी को लेकर किसान परेशान थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इस गोडाउन में ये स्टॉक रखा हुआ है, तो उन्होंने वहां पर रेड की और खाद को बरामद किया, जिसके बाद उनको कुछ राहत मिली है। परमजीत, लगातार इस तरीके की खबरें हम देखते हैं, हर साल इस तरीके से किसान खाद की किल्लत से जूझते हैं, और उसके बाद कई तरीके के मामले सामने आते हैं, कभी खाद चोरी हो जाती है, कभी आपको बताते चले खाद की ब्लैकमेलिंग की जाती है, लेकिन इस तरीके की जो खबरें हैं उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती अधिकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, इस तरह की जो बातें हैं उनमें ढुलमुल रोइया रहता है, और इस सीजन खासकर जब शुरुआत हुआ सीजन रबी की फसलों का, तो डीएपी की बड़ी किल्लत आई थी, किसानों को डीएपी नहीं मिला। अब जो है अच्छी पैदावार के लिए यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है किसानों को, तब यूरिया नहीं मिल रही है, और लगभग ये हरियाणा के कई जिलों के हालात हैं। ऐसे में ये दिखता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हरियाणा सरकार के जो आला अधिकारी हैं, उनका ढुलमुल रवैया है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और अगर इन पर सख्त एक्शन लिया जाए तो इस तरह की दिक्कतों से निजात मिल सकती है। जी बिल्कुल, परमजीत, अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई, इस तरीके से खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उसे कैसे रोका जाएगा आने वाले समय में? देखिए, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी 3 फर्म जो है उनके लाइसेंस सस्पेंड किए थे, निलंबित किए थे, और अभी जो ये फर्म है उनका भी लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे मामला उनके संज्ञान में आता है, वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वो संबंधित फर्म का लाइसेंस जो है निलंबित कर देते हैं उसके। जी बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद है, अधिकारी भी कृषि विभाग के यहाँ पर मौजूद है, और कृषि विभाग की तरफ से अधिकारियों की तरफ से ये कह दिया गया है कि फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। आपको बताते चले, हमें सूचना मिल गई थी कि 3 गोदामों के अंदर खाद आया हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उसको हमें कोई भी
किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया। गुप्त सूचना के आधार पर हम सभी किसान साथियों के साथ इस गोदाम पे छापेमारी की और यहाँ पे 350 कट्टे हैं जो 45-45 के वो मिले हैं, और साथ में अब यहाँ पे आने के बाद प्रशासन भी हमारे साथ यहाँ पे आया और उसने ये चीट निकाल के दिया। इससे पता लगता है कि यहाँ पे कितना खाद आया, आप ये देख सकते हैं। इसमें लगातार ये रहता है कि जितना भी खाद आए वो बगैर किसी कमीशन के और उचित रेट पर उचित समय पर किसानों को मिले, लेकिन आज हमारे साथियों ने जैसा कि सुनील ने बताया यहाँ कुछ खाद की जानकारी मिली और उस मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से छापा किसानों ने मारिया, और आज मौके के ऊपर प्रशासन के लोगों ने भी आना पड़ा। एसडीओ साहब हमारे बीच में आए हैं, आने वाले समय में भी हम इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेंगे। हमारी नहीं जो किसान बैठे उनकी है, क्योंकि ये तंग हो रहे हैं। हम तो चलो हाँ जिसे भी किसान आ फिर भी ले लेंगे, लेकिन जो सुबह 6 बजे लाइन में आकर लगते हैं लेडीज, हमारी माता बहने और जो हमारे चाचे था वो सुबह 6 बजे लाइन में लगते थे एक हफ्ता से, लेकिन खाद नहीं मिल रहा था। हम ये नहीं करते इलीगेशन किसी पे लगाते, इलीगेशन उस पे लगाते हैं जो इनके साथ ब्लैक मिलके ब्लैक मेल कर रहा है। सूचना मिली थी कुछ हमारे किसान साथी थे, उन्होंने ये बताया था, मौके पर तत्काल पहुंचे हैं। हमने यहाँ देख लिया इनका गोडाउन खुल हुआ कि यहाँ 360 बैग हैं, 360 बैग हमें यूरिया मिली है। तो जो किसान भाई हैं इनको हम 3-3 बैग यहाँ बंटवा रहे हैं, और आगे भी जहाँ किसान भाइयों की शंका है उन गोडाउंस को भी हम खुलवाएंगे। और जो एक्शन इसके ऊपर है एक्ट के मुताबिक एक्सीओ 1985 के अकॉर्डिंग वो तत्काल लिया जाएगा।